माशाल्लाह से एक और टूर मेरा इस वक्त मेरे इंतजार में है। कल सुबह सुबह इंशाल्लाह ताला मैं निकल रहा हूँ गोरखहिल के लिए, और गोरखहिल के लिए मेरा जो प्रोग्राम है वो दो दिन का है। सुबह सुबह 6 बजे हमारे को निकलना है, और मीटअप पॉइंट जो है कासिम चौक है, कासिम चौक पर हम लोग जाके मीटअप करेंगे, सारे राइडर्स वहाँ पर जमा होंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग वहाँ से फिर हम लोग दादू, और दादू से फिर गोरख, और कल बारिश का भी है और आज भी बारिश हुई है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो सुबह मिलते हैं, इस वक्त मैं अपने सामान की पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। कल सुबह फिर इंशाल्लाह ताला फजर में सुबह 6 बजे उठ के नमाज वमाज पढ़ के हम निकलेंगे अपने मीटअप पॉइंट के लिए, फिर वहाँ आपसे बात होगी। हमारे साथ रहिए। गोरख की तैयारी कंप्लीट है, सामान टैंक बैग जो है मुझे यहाँ रखना है, और एक सरप्राइज़ इस दफ़ा मेरे साथ मेरा जोड़ीदार मिस्टर महमूद अहमद भी जा रहे हैं। ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और आप तैयार हैं? तो ये अच्छी तरीके से पैक कर लें इसको, और बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गोरख के लिए। पहले तो मीटअप पॉइंट पर जाएँगे, फिर आगे जाते हैं। कासिम चौक पर पहुंच गए, और 4-5 राइडर्स पहुंच गए अपने, तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं बाकी राइडर्स का कि वो लोग अपना पहुंचें, और फिर हम लोग जमा होकर यहां से इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। बेहतरीन, माशाल्लाह, ये होती है बाइक्स, ऐसे सेट होती हैं, ये ज़बरदस्त। हमारे हारिस भाई की बाइक, सारे बाइकर्स रेडी, बेहतरीन हेलमेट है यार, GoPro। भाई 80 किलोमीटर के बाद हमारा नाश्ता होना है, तो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। मेरे ख्याल में आधा आधा जूस पियेंगे और कुछ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। सुबह सुबह सुखा रहे, दुकान खुली हुई है, टाइम हो रहा है 6:15, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो फिर हमने डिसाइड किया है कि अब हम लोग पकोला मिल्क पीते हैं, सही है, दूध पियेंगे हम, दूध जाफरान वाला अच्छा है। महमूद बोलता है जाफरान वाला अच्छा होगा। सुबह सुबह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर बेहतरीन किस्म की। देखो ये मेरा यूट्यूबर है, ये भी वीडियोस बनाता है, इसके भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। सब हम यहाँ रुक गए हैं थोड़ी सी देर, और एक बाइकर हमारा काम है उसको लेके निकल रहे हैं। मौसम आज जो है वो धूप वाला है, बादल अभी तक तो नज़र नहीं आए, देखें आगे जाके मिलते हैं या नहीं। निकलने लगे हम आपसे, तो 9:15 बज गए और अब हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं, तकरीबन चाय पियेंगे, 2-3 राइडर्स हमारे को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पॉइंट पर चलेंगे आगे देख लेंगे। अब तक जो है वो बड़ी बेहतरीन राइड रही, 1650 कावासाकी वाला था, उसका चला रोटे होते बच गया, वो 180 में था, उसको 180 में मोटर वैन पकड़ा। बादल भी आ रहे हैं। आमरीपुल गोरा, आमरीपुल वो वहाँ से निकलता है सकरण बाईपास पे और सीधा मोटर वे। ये देखिए बादल भी आ ही रहे हैं, बादल आ गए हैं, और ठंडक हो रही है, ठंडक हो रही है, ऐसा लग अच्छा मौसम। आप बन रहे हैं गरम गरम पराठे, ये आटा कोई खास किस्म का है ना? जैसी आटा है। हाँ, ये गंदम का चक्की वाला आटा है, और यहाँ बन रहे हैं हमारे ऑमलेट्स, इन पराठे लग रहे हैं इस वक्त। ये रोज खाओ ना पराठा, अंडा, चाय और पराठा खा लेना। ये जो आटे के ये आटा होता है ना, ये बहुत बेहतरीन किस्म का आटा होता है। प्राइज़ मिला हमारे को, ये अली अजमत साहब की बाइक है, और वो जा रहे हैं इस वक्त अपनी बाइक के ऊपर लाहौर, और आप लोग इनको देख के पहचान जाएंगे, हम तो इनको बचपन से ही देख रहे हैं,
और ये हमारे ग्रुप के साथ अब ज्वाइन हो रहे हैं अली अजमत भाई द ग्रेट सिंगर, और ये इनकी RGS BM। अली अजमत इस वक्त जा रहे हैं लाहौर की तरफ और अब हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ गोरख ही चले, तो देखते हैं क्या होता है। अली भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की हिफाजत। अली भाई लाहौर जा रहे हैं भाई, लाइक इनको मिलेंगे नहीं वो। हमारा छोटा सा स्टे हुआ है दादू में, हमें दावत दी गई थी, यहाँ पर दोपहर का लंच है हमारा और सब बाइकर्स थोड़ी सा फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। कहीं धूप कहीं छाँव, बड़ा हसीन मंजर, अच्छा मौसम। मैं मोहम्मद भाई ने भी बाइक चला ली है, थोड़ी सी मज़ा आ रहा है। आहिस्ता ने हमारी दावत की है, वो आ चुके हैं और सबसे मुलाकात कर रहे हैं। ये रहे मेरे भाई, सब यहाँ पे बैठे हैं अपने अपने मोबाइल्स को लेकर, और खालिद जतोई। हाँ भाई महमूद, कैसी चल रही है ज़िंदगी? चले भाई लंच टाइम हो गया है, सब अपने अपने खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और मेन्यू में है फिश। ओह वाओ, हर किस्म की सौगात मौजूद है यहाँ पर, बेहतरीन किस्म का खाना चल रहा है। अब मैं भी खाना खा लूँ। यहाँ हम लोगों ने नमाज पढ़ ली, खाना खा लिया बड़ा बेहतरीन किस्म का, और अब खाना खाने के बाद हम लोगों ने लिए ड्रोन शॉट्स, और ड्रोन शॉट्स जो है वो हमारा जो ड्रोन है वो इस वक्त बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। सर हसन भाई ये हमारा ड्रोन उड़ा रहे हैं, और हमारा ड्रोन आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, और ये आ गया हमारा ड्रोन, कैच करेंगे इसको। वेरी गुड। कैसी रही राइड आपकी? हाँ मजा आ रहा है। यहाँ देखो हाथ ऊपर दोनों। I bet you got a twisted dream.
थोड़ी देर से देर रुक रहे हैं, उसके बाद ऊपर पहाड़ियाँ चढ़ेंगे। रोड बहुत बेहतरीन बनी हुई है भाई, बहुत मज़ा आया अभी तक। बहुत ही शदीद किस्म की चढ़ाई है, बहुत ही उफ, बहुत ही खट्टी, बहुत ही, कोई वर्ड्स नहीं है इन चढ़ाइयों के लिए। ओह हो, अब मैं आपको सिंध का एक मंजर कराता हूँ। सिंध इतनी खूबसूरत जगह है मेरी, इतना खूबसूरत सिंध है। अगर इस जगह को सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज़ किया जाए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सड़कें बनाई जाएं, फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो ये सिंध मुझे बताएं कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। यहाँ दरख्त लगाए जाएं, वो देखें हम लोग इतना नीचे से वहाँ से। ओ मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, माशाल्लाह। दूर दूर तक कहीं आबादी नज़र नहीं आ रही है, बाइक सिर्फ फर्स्ट गियर में चढ़ रही है। मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर, काम हो रहा है ठीक है सड़कें, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है जैसे मरी में है, पंजाब में होती हैं। यहाँ पर वो मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम लोग हैं बिल्कुल गोरख हिल के ऊपर, और तमाम राइडर्स जो हैं वो गोरख हिल हम लोग बहुत ही खैर आफियत के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर करके सारे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम सब का एक ही मुतालबा है, सिंध गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि खुदा का वास्ता गोरख हिल के अंदर रोड बनाओ, बजट निकालो, 50% निकालो, रोड बनाओ, मुल्क बचाओ, रोड बनाओ, मुल्क बचाओ, रोड बनाओ, मुल्क बचाओ। आपका क्या? I bet you got this that you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the rumble, I don't think they know. Straight to the depths of hell.